सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस रेजोमैक्स डिवीजन सो जो रेजोमैक्स डिवीजन का फ्री लाइव बैचेस आपके लिए चल रहा है उसी में ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज का न्यू टॉपिक तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का फिगर बेस प्रॉब्लम जी हाँ जितने भी हमारे फिगर बेस प्रॉब्लम से सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं अब इस फिगर बेस प्रॉब्लम में क्या होगा कि मल्टीपल टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर होगा एक हमारा इमेजेस जैसे हम बात करते हैं कि वाटर इमेजेस और विटर जो हमारे पास होता है मिरर इमेजेस दो टाइप की इमेजेस होती है जिसमें फर्स्ट हम वाटर इमेजेस और सेकेंड हम मिरर इमेजेस को डिस्कस करने वाले फिर हमारा फिगर काउंटिंग तो एक पर्टिकुलर फिगर्स गिवन होंगे उन पर बेस्ट जो भी पार्ट्स होंगे उनको हमें काउंट करना है जैसे बोल दिया गया कि एक हमारे पास ट्राइंगल से उसके अंदर मल्टीपल ट्राइंगल्स है तो काउंट करना होगा कि नंबर ऑफ कितने होंगे तो इस तरीके के जो फिगर बेस्ड वाले वाले टॉपिक्स हैं उनको हम पर डिस्कस करने वाले। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है किस पर बेस्ड इमेजेस पर बेस्ड जी हाँ आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा वॉटर इमेजेज एंड मिररल इमेज पर बेस्ड पूरा टॉपिक रहने वाला है ओके तो इसके अंदर जो टॉपिक्स है ना वो भी एक बार मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ किस किन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं तो रह, फर्स्ट रहेगा हमारा फिगर इमेजेस सेकंड रहेगा हमारा जो रहने वाला है आ, फिगर काउंटिंग फिर उसके बाद रहेगा कि फिगर इमीडियंट फिर रहेगा फिगर कॉम्प्लिकेशन तो और रहने वाला है आ, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और साथ में रहेगा एक हमारे पास होता है यहां से कि जो फिगर इमिडियंट ओके तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले तो फर्स्ट अगर हम बात करें यहां पर कि, किस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो रहने वाला है वो रहेगा आपका यहां से ओके okay. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इमेजेस को लेके तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास टू टाइप की इमेजेस होने वाली है क्या होने वाली है दो टाइप की हमारे पास इमेजेस होने वाली है तो यहां पर अगर हम देखें दो टाइप की हमारी इमेजेस रहेंगी फर्स्ट रहेगी हमारे पास क्या कि मिरर इमेजेस क्या रहेंगे मिरर इमेजेस और सेकेंड हमारे पास क्या रहने वाली है वाटर इमेजेस देन पहले हमारे पास क्या करेगी जो दर्पण प्रतिबिंब है फर्स्ट क्या रहेगा दर्पण प्रतिबिंब और सेकेंड क्या रहेगा हमारे पास जल प्रतिबिंब ठीक है जल अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो जो एस एस का प्रीलिम्स है तो एक सिंगल क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर इमेजेस से डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले हम डिस्कस करेंगे किसको फर्स्ट हमारे पास रहेगा अः मिररर इमेज को फर्स्ट okay? हम मिरर इमेजेस को को डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद हम वाटर इमेजेस को डिस्कस करने वाले तो जब भी कोई हमारे पास जैसे हम बात करें यहां से एक अल्फाबेट की अल्फाबेट क्या है जैसे बोला गया कि ए तो ए का हमें क्या निकालना है मिरर इमेज तो मिरर इमेजेस निकालने के लिए हम राइट साइड पे किसी एक मिरर को यहां पर रखते हैं तो फिर क्या होगा कि इसका हमें एक क्या करना पड़ेगा मिरर इमेज बनाना पड़ेगा तो मिरर इमेज को कैसे बनाते हैं कि हम इस पॉइंट को यहां से पकड़े और टर्न करके यहाँ पर डाल दें तो क्या बनेगा एज इट इज ये यहां पर हो जाएगा बट अगर हम बात करें यहां से किसकी वाटर इमेज की तो वाटर इमेज के लिए क्या करना होता है वाटर इमेज के लिए जो बेस मानते हैं हम वो काम रखेंगे नीचे की साइड पे ठीक है यहां पर हमने कैसे रखा था राइट हैंड साइड पे और यहाँ पर बॉटम साइड पे इसको बेस को रखेंगे फिर क्या करेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है ना ऊपर वाले पार्ट को पकड़ के हम नीचे टर्न कर देंगे तो अगेन हमारे पास जो इमेज रहेगा वो किस टाइप का रहेगा वो हमारे पास इस स्टाइप करेगा ठीक है तो ये हमारे पास क्या है ये इसकी वाटर इमेजेस है और ये क्या है ये जो ये हमारे पास मेन वाली थी डन तो ये वाटर इमेजेस है और ये क्या है इसका मिरर इमेजेस है डन ये क्या है जो मिरर इमेजेस है तो दो टाइप की इमेजेस बनती है हमारे पास एक होगा वाटर इमेजेस एक होगा मिरर इमेजेस अब कहीं हम बात करें एक अल्फाबेट्स की तो कई सारे ऐसे अल्फाबेट्स है जिनका जो मिरर इमेज होता है वो सेम ही रहेगा और कई ऐसे भी अल्फाबेट्स होंगे जिनका जो वाटर इमेजेस है वो सेम रहेगा जैसे एक हमारे पास था ना यहाँ पर अल्फाबेट क्या था ए है तो ए एक ऐसा अल्फाबेट है जिसमें उसका जो मिरर इमेज है है, वो सेम है बट जो वाटर इमेज है वो डिफरेंट है अगर हम बात करें तो कई जो अल्फाबेट है ऐसे भी होंगे जिनके वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों ही सेम होने वाले जैसे अगर हम आई की बात करें आई ये हमारे पास है तो आई का जो मिरर इमेज बनने वाला है तो क्या बनेगा वो वो एज इट इज हमारे पास रहेगा, तो का जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा रहेगा एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा और अगर हम आगे भी देखें तो जो आई का वाटर इमेज बनेगा तो आई आई का वाटर इमेज क्या होगा कि बेस से हम इस तरीके से लेंगे और अगेन इसको पुल करके नीचे लाएंगे तो ये भी हमारे पास सेम रहेगा यानी कि जो आई हमारे पास अल्फाबेट है उसका वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों ही क्या रहने वाले हैं सेम रहने वाले हैं जो उसका ओरिजिनल शेप था क्लियर है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर दो तरीके से हम क्या करने वाले हैं डायरेक्ट जो प्रतिबिंब है उनको देखने वाले फर्स्ट हमारा रहेगा मिरर इमेज सेकेंड हमारा रहेगा वाटर इमेज मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं कि राइट एंड साइड पर उस पर हम क्या रखेंगे जो एक मिरर है उसको रखेंगे और उसके कंपेरिजन में हम यहाँ से कंपेयर करेंगे यहां पर क्या करेंगे वाटर इमेज के लिए जो भी बेस रखना है हमें उसके बॉटम साइड पर रखेंगे ठीक है क्लियर है तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट के जो हमारे पास है अल्फाबेट सीरीज के कुछ अल्फाबेट है उनका वॉटर इमेज और जो मिरर इमेज है वो क्या होता है वो यहां से हम डिस्कस करने वाले ठीक है तो अगर हम बात करें ए आ, हमारे पास अल्फाबेट है क्या है कि ए ये हमारे पास क्या है जैसे अल्फाबेट से अब अल्फाबेट से तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये इसका क्या है ये यहाँ पर मिरर तो इमेज का है ये हमारे पास अवेलेबल है तो वाटर इमेज के लिए आ, चलो इसको एक बार ऐसा कर लेते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे हम मिरर ही मानते हैं और यहाँ पर इसको वाटर मान लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा ये यहाँ से मिरर है और यहाँ पर ये क्या है वाटर इमेज डन है ओके okay. तो अगर हम देखें तो क्या करेंगे तो क्या होगा बी के लिए हमारा कुछ इस तरीके से होगा सी कैसा होगा सी हमारा ये हो जाएगा डी कैसा होगा डी हमारा जस्ट इसका अपोजिट होगा ई e कैसा होगा ई e हमारा कुछ इस तरीके से होगा एफ बी हमारा कुछ ये होगा और जी की बात करें तो जी किस तरीके से हो जाएगा बताइए जी की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा ये होने वाला है एच एज इट इज रहेगा डन अगर इनके वाटर की भी बात करें तो ए का वाटर इमेज कैसा रहेगा ए का हम ऊपर से टर्न कर देंगे बी का एज 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 इट 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 इज 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 रहेगा C रहेगा C रहेगा सी सी कैसा भी डी हमारा रहने वाला है ई कैसा रहेगा ई एज इट इज रहेगा एफ e की बात करें तो एफ में कैसा हो जाएगा एफ में कुछ इस तरीके से होगा e जी कैसा होगा जी में जो है हमारे पास क्या होगा कि हमें इसको टर्न करना होगा टर्न करना होगा तो क्या करेंगे किस तरीके से कि इस पार्ट को हम यहाँ पर ले आए तो फिर ये हमारा हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि जी हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा फिर एच की बात करें तो एच हमारा सेम होने वाला है आई हमारा सेम होगा डन आई भी यहां पर सेम होगा जे की बात करें तो जे में क्या होगा जे में कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा अगर इस पोर्शन को हम नीचे ले आए तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा ठीक है के की बात करें तो के एज इट इज रहने वाला है यहाँ पर क्या होगा के का अपोजिट फेस हो जाएगा तो ये हमारी क्या चल रही है इमेज चल रही है और ये वाटर चल रही है एल का यहाँ से ये होगा एम का भी सेम रहने वाला है एन कैसा हो जाएगा एन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा वो एज इट इज रहेगा पी का पार्ट अपोजिट हो जाएगा क्यू में क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से आएगा आर में में हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा और एस कोई मिरर रखते हैं तो ये, है? सारी सारी है, right है, तो ये यहां से इस तरीके से हमें मिल जाएगा अगर हम क्या कर रहे हैं बेस में किसी अगर हम जो वोटर इमेज निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं बेस पर मानते हैं तो ए के बेस पे माना तो क्या किया इसका ऊपर वाला पार्ट पकड़ के हमने टर्न किया तो ये हो जाएगा टन किया तो ये मिलेगा सी से हमें ये मिलेगा डी से हमारा ये होगा ई e का एज रहेगा एफ में हमें ये मिलने वाला है जी में ये मिलेगा एच में ये होगा और एल की बात करें तो एल में क्या होगा फिर एल में कुछ इस तरीके से होगा एम को कैसे हो जाएगा एम एज ए डब्ल्यू की तरह हो जाएगा और एन में क्या होगा एन में अगेन कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा वो ये रहने वाला है पी में क्या होगा पी का पार्ट कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा और अगर क्यू की बात करें तो क्यू में हमारा क्या रहेगा कुछ इस तरीके से होगा डन और आर में क्या रहेगा आर में हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा और अगर आगे देखें यहाँ पर तो एस का हमारा एज इट इज रहने वाला है क्लियर है तो ये तो हमारी थी मिरर इमेजेस राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वाटर इमेजेस है अगेन टी की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है ये इसकी मिरर इमेज की बात कर रहे हैं फर्स्ट है कि हम मिरर इमेज देखेंगे ये हमारा मिरर इमेज है डन मिरर इमेज है और यहाँ पर ये इसकी वाटर इमेज है तो टी के लिए अगर देखे मिर इज कैसी एज इट इज रहेगी यू के लिए भी सेम रहेगा वी के लिए भी सेम रहेगा डब्ल्यू के लिए भी सेम रहेगा एक्स के लिए भी सेम रहेगा वाई के लिए क्या होगा वाई के लिए कुछ इस तरीके से होगा कि ये चेंज हो जाएगा डन जेड का कैसे हो जाएगा जेड हमारे पास इस तरीके से तो ये कुछ इस तरीके से होगा डन ये हमारे पास क्या है सारी की सारी मिरर इमेजेस है अब वॉटर इमेजेस क्या होंगे कि हम बेस पर माने बेस पर मानेंगे तो क्या करेंगे बॉटम पर बेस माना तो फिर इसको टर्न करेंगे तो टी हमारा ये हो जाएगा यू कुछ इस तरीके से होगा हमारा कुछ ऐसे होगा डब्ल्यू बी एम की तरह हो जाएगा Z, Z हमारा कुछ इस तरीके से होगा क्लियर है? तो है क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारे पास किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे जैसे कोई भी हमें वर्ड की बने बोला कि एक हमारे पास वर्ड है क्या वर्ड है कि गुड़ क्या वर्ड है? है हमारे पास यहाँ से बोला की जी डब्लो डी आपको क्या बताना इस वर्ड का हम इस वर्ड का हमें एक वाटर इमेज भी बनाना है और एक क्या बनाना है एक हमें इसका मिरर इमेज भी बनाना है ठीक है क्या बनाना है इसका एक वाटर इमेज भी बनाना है और एक मिरर इमेज भी बनाना है तो इसके लिए क्या करते हैं हम इसके लिए क्या करेंगे अगर हमें इसका मिरर इमेज बनाना है तो कहा गया बेस हमारा यहाँ होगा और वाटर इमेज बनाना है तो बेस कहाँ रखना पड़ेगा बॉटम में रखना पड़ेगा क्लियर है तो इसका हम यहाँ से डायरेक्टली जो डायग्राम है वो फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास दो टाइप से क्वेश्चन अपियर होंगे एग्जाम के अंदर एक तो होगा वर्ड पर बेस एक होगा किस पर किसी डायग्राम किस तो क्या करेंगे वन से जीरो तक का जो पास होते हैं, उनका वाटर इमेज और मेज है दोनों को एक बार प्रॉपर इरेज तो करते हैं क्लियर है इतना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का सभी और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि सभी को समझ में आ रहा है ना जो आपके पास लाइक का बटन है एक बार उसे प्रेस करके इंडिकेट कर दीजिए मुझे और थम्स अप करके इंडिकेट कर दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है और आगे चलते हैं यहाँ से ठीक है तो अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे इसको काउंट को तो हमारे पास जो गिनती होती है तो वो क्या होगा वन होगा डन फिर टू होगा फिर थ्री होगा फिर फोर होगा फिर क्या होगा फाइव होगा फिर सिक्स होगा फिर सेवन होगा फिर एट होगा और फिर नाइन होगा और, और एक जीरो भी हो जाएगा ठीक है चाहो तो जीरो को हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं ये हमारे पास जीरो पर गया। ये हमारे पास क्या है? एक, आ, जो, जो क्वेश्चन है किसी नंबर पर बेस्ड होता है जैसे हमें बोल दिया गया कि एक नंबर है क्या है कि सेवन एट सिक्स फाइव फोर इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज तो वाटर इमेज फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम इस तरीके से बेस लेंगे और अगर इसी नंबर का हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे कुछ इस तरीके से तो ये तो क्या होगा मिरर इमेज होगा ये क्या होगा वाटर इमेज होगा क्लियर है आया समझ में इसी के बेसिस पे हम हम देखेंगे हैं. एक बार क्लियर है तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है ये क्या है हमारी यहां पर वाली जो साइड है ये हमारे पास मिरर इमेजेस है कैसी है इधर वाली जितने भी हमारे पास वो मिरर इमेजेस है और यहां वाली क्या है सारी की सारी वाटर इमेजेस है क्लियर तो जीरो का अगर हम मिरर इमेज देखें तो क्या रहेगा एज इट इज रहेगा अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा ये हमारा टर्न होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा टू का क्या होगा टू का कुछ हमारे पास इस तरीके से होगा थ्री में अगेन हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा फोर में क्या होगा फोर में जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा फाइव में क्या होगा फाइव में हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा सिक्स में कुछ इस तरीके से होगा सेवन में क्या होगा सेवन में कुछ हमारे पास इस तरीके से होगा एट एज इट इज रहने वाला है नाइन में क्या होगा Nine जो हमारे पास है कुछ है, इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो ये तो क्या बन गई सारी की वन सारी तो 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 कुछ इस तरीके से होगा टू कैसा होगा टू हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है थ्री कैसा होगा थ्री की अगर बात करें हम तो फिर अगेन ये कुछ इस तरीके से होगा फोर में क्या होने वाला है फोर का कुछ ऐसा होगा फाइव में क्या होगा बताइए की अगर बात करें हम तो कुछ इस तरीके से होगा सिक्स में देखेंगे तो कितना हो जो पोर्शन है, है, है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा क्लियर तो ये हमारे पास क्या गई ये सारी की सारी जो नंबर है जीरो टू नाइन का जो नंबर है जिसके बेसिस पे हम सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं जो कैसे हो नंबर पर बेस्ड हो तो वन का वाटर इमेज क्या होगा वन का जो वाटर इमेज है वो लेफ्ट साइड वाला है और मिरर इमेज क्या है राइट साइड वाला अगेन टू का जो मिरर इमेज है वो राइट साइड है लेफ्ट साइड में क्या है वाटर इमेज अगेन थ्री का जो मिरर इमेज है वो राइट साइड है और लेफ्ट साइड में क्या है वाटर इमेज अगेन फोर का जो मिरर इमेज है वो राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में क्या है सॉरी वाटर इमेज है फाइव का भी मिरर इमेज कहाँ है राइट right साइड में और वाटर का जो वाटर इमेज है वो लेफ्ट साइड में तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहे हैं अब हम देखेंगे कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने फर्स्ट था किस पर वर्ड और नंबर पर बेस्ड सेकेंड था हमारा किस पर बेस्ड था वो डायग्राम पर बेस्ड तो नंबर तो हमने डिस्कस कर लिया कि नंबर का जो वाटर इमेज और मिरर इमेज होगा वो इस तरीके से बनेगा और अल्फाबेट जो हमारे पास थे तक के उनका वाटर इमेज और जो मिरर इमेज था वो

तो जो सबसे क्लोज रहेगा ना वो कहां चला जाएगा सबसे दूर चला जाएगा जो सबसे पास था पॉइंट वो कब सबसे दूर चला गया क्लियर तो मिरर इमेज के अंदर ये होता है तो जो सबसे दूर था वो कहां गया अब सबसे दूर वाला कहां गया बताइए सबसे दूर वाला कहां गया आ, सबसे जो दूर था वो यहां पर अगर हम इसका देखें कि यहां पर क्या होगा अगर इसका हमें वाटर uh, इमेज बनाना तो क्या करेंगे ऊपर वाले दोनों पॉइंट को पकड़ेंगे और नीचे लेंगे। तो यहां से पास कुछ इस तरीके से होगा ठीक है तो ये तो क्या बना इमेज और ये क्या बना इसका? बोला गया है क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड है क्या है क्विक तो यहां से इस वर्ड को हमें क्या करना है? एक करना है तो क्या है कि हमारे पास है पहला क्यू है फिर यू है फिर ए है देन सी है और

भी सेम रहेगा और क्यू कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा ठीक है तो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन के अंदर देखें हम के कैसा है अब कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर देंगे कि, दे, कि अगर हम सी का जो बनाएंगे ना मिरर इमेज तो क्या ऐसा बनेगा क्या नहीं तो इट मीन ऑप्शन ए तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया और अगर हम ए को भी देखें तो ए का मिरर इमेज कैसा होता है बट यहां पर चेंज है तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया डन अगर हम इसको देखें ऑप्शन नंबर सी को तो अगेन ए भी क्या है अपोजिट है जबकि ए में चेंज नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। अगर वाटर इमेज होता है तो उसमें सेम यू सेम एंड क्यू सेम क्लियर है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट आंसर हो जाएगा अगेन देखें एक और क्वेश्चन क्या है एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें वर्ड है राहुल डन क्या है एक राहुल वर्ड गिवन है

डन कुछ हमारे पास ऐसा होगा एच सेम रहने वाला है यू कैसा हो जाएगा यू कुछ ऐसा होगा और एल कैसा होगा हमारे पास एल कुछ ऐसा तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या तो एक बार हम क्या करेंगे यहां से देखेंगे तो आर क्या चेंज होगा क्या डेफिनेटली आर चेंज होगा बट ऑप्शन नंबर सी में आर चेंज नहीं हो रहा तीन ऑप्शन में चेंज हो रहा है ठीक है ए में चेंजेस होंगे क्या ए में भी डेफिनेटली चेंजेस होंगे तो ऑप्शन नंबर बी में ए में चेंज नहीं हो रहा तो बी भी एलिमिनेट कर देंगे अब ऑप्शन नंबर ए और सी बचा हुआ है डन ए और सी बचा हुआ है तो एच में चेंजेस होंगे क्या एच में कोई चेंजेस नहीं होगा यू में चेंजेस होंगे क्या डेफिनेटली में चेंजेस होंगे में में नहीं हो 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 रहा तो A right तो ऑप्शन नंबर हमारा हमारा से से राइट आंसर आंसर जाएगा जाएगा यही है 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 ना था और फाइनल क्लियर आया सभी को समझ में? ठीक है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक का बटन दबाइए और बताइए मुझे कि हाँ हमें पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है अब आगे आप कंटिन्यू क्वेश्चंस को कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन क्या है एक डायग्राम है हमारे पास डायग्राम में क्या करना है हमें इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है तो मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं हम जैसे यहां पर मिरर इमेज है कहां पर रखा हुआ है राइट साइड पे तो फर्स्ट ऑल ऑफ हमारा टास्क क्या रहेगा कि इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करें यहां से पकड़े इन दोनों पॉइंट्स को हमने पकड़ा पकड़ के क्या करना है हमें टर्न करना है तो जैसे अगर हम यहां से टर्न करेंगे इसको मान लीजिए कि ये हमने टर्न करने के बाद आ गया क्या था ये दोनों पॉइंट है जिनको हमने टर्न किया डन तो क्या होगा जो ये अपोजिट वाले सिंबल है ना ये क्या रहेंगे एज इट इज रहेंगे डन एज इट इज अब C कैसा हो जाएगा सी हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है अब जो ब्लॉक बनाए वो कुछ ऐसा होगा और यहां पर सी कैसा हो जाएगा सी हमारे पास ये हो जाएगा क्लियर है क्या ऐसा किसी में ऑप्शन है क्या जिसमें ये चीजें हो देखो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट होगा ऑप्शन नंबर डन

उसका अपोजिट फेस बन जाएगा ठीक है क्या बनेगा उसका अपोजिट बनेगा किसमें मिरर के अंदर अगर यहां से हम इसका वॉटर भी बनाते तो क्या होता है देखो अगर इसका वॉटर बनाते ना हम यहां से ये क्या है हमारे पास ओरिजिनल शेप है ओरिजिनल शेप क्या है भी? ये ओरिजिनल शेप है डन ये ओरिजिनल शेप है अगर इसका हमें वाटर इमेज बनाना है तो क्या करते हैं बेस में हम क्या लेंगे इसमें

वोटर इमेज बन जाएगा ठीक है तो ये तो क्या है मिरर इमेज है और ये इसका वोटर इमेज है क्लियर है डन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एक हमारा नंबर पर बेस्ड डायग्राम है जिसमें हमें क्या करना है मिरर इमेज फाइंड आउट करना है तो अगेन फाइव uh, क्या है फाइव uh, है फिर टू है देन सिक्स है देन नाइन है देन थ्री है

इस तरीके से मिलेगा डन फिर टू का क्या होगा टू का हमारे पास कुछ ऐसा होगा डन सिक्स का क्या होने वाला है सिक्स का हमारे पास कुछ ऐसा होगा और नाइन का क्या होगा का हमारे पास कुछ ऐसा होगा डन और हमारे पास क्या रहेगा जो रहेगा वो ऐसा कुछ रहेगा क्लियर है तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या चलो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास कौन सा है ऑप्शन नंबर ए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि टू का भी क्या है यहां से वाटर इमेज है फाइव का वाटर इमेज टू का वाटर इमेज सिक्स का वाटर का वाटर वोटरमेज एंड थ्री का वाटर तो आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमने सी क्यों नहीं लिया क्योंकि जो टू है टू का वाटर इमेज नहीं है यहाँ पर क्या किया सिक्स का वाटर इमेज नहीं है यहाँ पर क्या है यहां पर देखेंगे तो अगेन हमारे पास नाइन का वाटर इमेज गलत है तो ये तो हमारे एलिमेंट हो जाएंगे बट ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा क्लियर है

क्या फाइंड आउट करना है हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है कब जब राइट हैंड साइड पे कोई भी एक मिरर यहां पर लगा हुआ हो तो बताइए आंसर क्या होगा ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा क्या करेंगे जैसे हमारे पास ये नंबर है ना तो थ्री तो थ्री की इमेज कैसी बनेगी अब पहले ये था तो अब कुछ इस तरीके से होगी नाइन की कैसे होगी नाइन की हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी ट्वेल्व uh, कैसा हो जाएगा ट्वेल्व भी हमारे पास कुछ इस तरीके से होने वाला है डन ठीक है और सिक्स का क्या होगा सिक्स का कुछ इस तरीके से होगा तो ये ऐसा कोई ही पर नंबर दिख रहा है कि आपको ट्वेल्व इस फॉर्म में हो तो ऑप्शन नंबर सी तो ट्वेल्व एज इट इज एलिमिनेट हो जाएगा फिर अगर कुछ हम देखे इसके बाद तो कोई नंबर एलिमिनेट हो जाएगा अब जो हमारे पास जो हैंड है ना मिनट हैंड और हावर हैंड इनकी सिचुएशन भी हम देखेंगे कैसे कि जो थ्री के पास अभी हम देख रहे हैं तो थ्री किस तरफ जाएगा अभी थ्री यहां था ना इसमें भी यही है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि जब हम इसको टर्न करेंगे तो जो थ्री कहां चला जाएगा अभी थ्री राइट हैंड साइड पे तो उसमें थ्री लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो ए हमारा यहां से गलत होगा और इसमें देखेंगे तो या तो बी होगा या फिर डी होगा अब दोनों जगह हम देखें तो यहां पर जो स्मॉल वाला हैंड है वो किस तरफ है देखो स्मॉल वाली जो हैंड है वो थ्री और सिक्स के बीच में या फिर नाइन और सिक्स के बीच में बताइए वो 9 और 6 के बीच में यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट right आंसर हो जाएगा क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें हम क्या अगेन हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें बोला गया है कि फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस राइट साइड ऑफ द फिगर यानी कि हमें यहां पर क्या करना है एक मिरर लगाना है और मिरर लगाने के बाद इसकी जो इमेज है वो यहां से चेक करनी है क्लियर तो अब क्या करेंगे अगेन हम दोनों पॉइंट्स को यहां से पकड़ेंगे और पकड़ कर क्या कर देंगे टर्न कर देंगे तो यहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने इसको टर्न कर दिया तो टर्न किया तो क्या मिलेगा मैं एक तो ये कुछ शेप शेप होगा इस तरीके से ये शेप हो गया ये हमारा क्या हो गया प्लस का सिंबल हो गया डन अब ये हमने टर्न किया तो जो एरो वाला है ना जो यहां वाली चीज है वो कहां पर आएगी यहां पर जाएगी तो डन ये हमारे पास हो गया ये हमने क्या किया एक एरो क्लियर और यहां पर ये एरो हो गया यहां पर क्या होगा ये कुछ इस तरीके से होगा और ये डन तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा यहां से फाइनल आंसर मिलेगा जिसमें एरो हमारा यहां पर भी यहाँ पर है और साथ में क्या है ये स्क्वायर और यहाँ पर सर्किल तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास डेफिनेटली है कहां पर है ऑप्शन नंबर डी डन ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास है जिसमें गिवन है एक वर्ड एक वर्ड वर्ड गिवन है और साथ में नंबर भी गिवन है तो एक्स है फिर सेवन है देन डब्ल्यू है और लास्ट में क्या है फोर है, आउट करनी जो बेस है तो एज इज हमारे पास, तो तो हम तो 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 हमारे पास रहे ही रहेगा ठीक इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा इसको हमने टर्न किया तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा डब्ल्यू क्या हो जाएगा डब्ल्यू का एम हो जाएगा और फोर कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा क्या ऐसा कहीं पर ऑप्शन है क्या बोलो क्या ऐसा कहीं पर ऑप्शन है क्या ऑप्शन नंबर डी एलिमेंट होगा बी एलिमेंट होगा अगर यहां भी बात करें हम तो क्या ऐसा होगा क्या कि एक्स 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 डी और डब्ल्यू okay, तो क्यों एलिमेंट हो रहा है सी क्योंकि डब्ल्यू की पोजीशन है है वो पहले ही जैसी तो ऑप्शन नंबर ए हमारा से राइट आंसर हो जाएगा सेम हमारे पास सेवन बी एज इट इज है एम हमारा यहाँ होगा और फोर हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्लियर okay. है डन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन आपको आंसर देना इसका जल्दी से आंसर दीजिए मुझे एक वर्ड है क्या वर्ड है एक फैमिली वर्ड है एफ ए एम आई एल वाई एक फैमिली वर्ड है और फैमिली वर्ड का क्या फाइंड आउट करना है हमें वोटर इमेज फाइंड आउट करनी है वोटर इमेज के लिए ऑलवेज क्या होता है कि जो हम बेस्ट लेते हैं कहां पर लेंगे बोटम साइड पे लेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहां से हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ेंगे पकड़कर टर्न कर देंगे डन क्या करते हैं दोनों पॉइंट्स को फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को पकड़ा पकड़कर टर्न कर दिया तो क्या मिलेगा हमें यहां से वोटर इमेज बन जाएगी तो विटर वॉटर इमेज के लिए क्या करेंगे अगेन एफ कुछ इस तरीके से होगा कैसा हो जाएगा ए कुछ हमारे पास ऐसा होगा एम कैसा होगा एम हमारे पास डब्ल्यू की फॉर्म में हो जाएगा एज इट इज रहने वाला है एल कैसा होगा एल कुछ हमारे पास ऐसा हो जाएगा ठीक है और कैसा होगा को जब हम पकड़ेंगे यहाँ से तो फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा तो ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ आंसर तो F का अगर हमें टर्न लेना है तो क्या रहेगा F का अपोजिट फेस है यानी कि ऑप्शन नंबर A एलिमेंट होगा F है A अपोजिट है A सभी में अपोजिट है फिर W और जो यहां पर देखा था हमने एम एम का तो ऑप्शन सी बी एलिमेंट होगा बी और डी में से कोई एक होने वाला ठीक है तो जो आ, आ, हमारे पास यहां से ना आई सेम रहेगा और एल बी L हमारे पास कुछ इस तरीके से तो इसमें जो एल की डायरेक्शन है ना वो किसी अपोजिट है तो बी एलिमेंट होगा बट ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा यही शेप हमारे पास यहां पर है तो ऑप्शन नंबर डी इज द

चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या है अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है डायग्राम पर बेस्ड जल्दी से आंसर दीजिए मुझे क्या आंसर होगा इसका देखें क्या फाइंड आउट करना है हमें अगेन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन फिगर हमारे पास है अगर हम इसका वाटर इमेज भी फाइंड आउट करें और मिरर uh, इमेज भी फाइंड आउट करें चलो दोनों चीजें इसमें फाइंड आउट करके देखते हैं तो क्या होगा मिरर uh, इमेज uh, के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से बेस मानना पड़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक न्यू बॉक्स हो गया देन न्यू बॉक्स हो गया अब क्या करेंगे इसमें जो है कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास यही होगा ना यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डायग्राम बनेगा कैसा कि हमने इस पॉइंट को यहां से पकड़ा इस पॉइंट को यहां से पकड़ा पकड़ के हमने क्या कर दिया इसको टर्न कर दिया तो जब पकड़ कर हम इसको टर्न करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो ब्लॉक है ना कैसे होंगे जो हमारे पास ब्लॉक है कुछ ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा डन ये हमारा इस तरीके से हुआ तो फिर हम क्या करेंगे ये जो ब्लॉक है कुछ इस तरीके से लेंगे और यहां पर हमारा ये वाली चीज आ जाएगी ये हमारी यहां पर होगा और जो यहां वाला पोर्शन है इसमें क्या होगा इस तरीके से वर्टिकल से लाइन आएगी डन वर्टिकल से लाइन आएगी और जो ये बचा हुआ पोर्शन है ना ये हुआ अगर इसको हम टर्न करते हैं तो देखना टर्न करेंगे तो क्या होगा जैसे ही हमने इसको टर्न किया तो हमारे पास क्या बचेगा यहां से अगर हम देखें ये हमारे पास मिला ना तो अब देखेंगे जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ना ये पोर्शन कहाँ पर होगा ये वाला पोर्शन हमारा इस साइड पे होगा यानी कि सेम पोर्शन हमारा कहां पर चला जाएगा यहां से हम देखेंगे तो ये पोर्शन हमारा इस जगह होगा तो यहाँ पर कहा है अगर फर्स्ट पोर्शन में सेम राइट तो आंसर तो होगा जिसमें क्या होगा तो जिस कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना तो ये पोर्शन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जो वर्ड ओरिजेंटल लाइन है वो हमारी कहा होगी यहाँ पर होगी और एक हमारे पास कुछ ये होगा और यहाँ पर कुछ लाइन इस तरीके से हो ये हमारे पास कैसा है

फाइव कैसा होगा फाइव कुछ हमारे पास इस तरीके से होगा ठीक सिक्स कैसे होगा सिक्स होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से फोर होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से और टू कैसे होगा टू होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से तो ये हमारे पास यहाँ से कुछ इमेज बन जाएगी तो ये तो हमारे पास क्या था इसका मिरर मिरर इमेज है बट ऑप्शन में मिरर इमेज है क्या नहीं है हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास है इसकी वोटर इमेज पर यहाँ से अगर देखेंगे हम तो क्या इसकी मिरर इमेज भी बन रही है क्या डेफिनेटली बन रही है कहां पर अगर इस को देखें तो कहावन का मिरर इमेज ये है 3 का 3 और 5, तो 5 हमारा इस तरफ आ जाएगा डन तो ऑप्शन नंबर हम किसको भी ले सकते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी को भी हम यहां पर एज ए आंसर की फॉर्म में ले सकते हैं तो आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगेन एक वर्ड है प्रेयर इसका क्या करना है हमें यहां से फाइंड आउट करना है मिरर इमेज तो मिरर इमेज फाइंड आउट करना है कब जब हम राइट हैंड साइड पे इसमें बेस मानेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमने मिरर को रख दिया डन अब यहाँ पर मिरर को रखा है तो पी कैसा होगा पी हमारे पास जो पी कैसा होगा हम क्या करेंगे इसको यहां से पकड़ेंगे तो आर तो सबसे नियरेस्ट होगा फिर ई e कुछ इस तरीके से होगा वाई एज इट इज रहेगा एज इट इज रहेगा आर जो होगा वो चेंज होकर कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा ठीक है और पी कैसा रहेगा पी हमारे पास कुछ इस तरीके से तो ऐसा ऑप्शन में अवेलेबल है क्या यहाँ पर लास्ट में क्या है पी है मतलब फर्स्ट में पी है तो लास्ट में पी होना चाहिए यह, यहाँ लास्ट में आर है एलिमिनेट आर है एलिमिनेट और यहाँ पर आर है एलिमेंट तो ओनली ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बचा है तो R E Y A R Q देन R P तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्लियर आया इतना समझ में तो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है तो मिरर के लिए अगेन क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे हम मानेंगे कुछ भी एक मिरर और इन दोनों पॉइंट्स को पकड़कर क्या करेंगे पकड़ा और टर्न कर दिया तो क्या रहेगा जो यहां पर ये ब्लॉक था ये किस जगह चला जाएगा यहाँ पर कहाँ है हमारा आ, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो राइट हैंड साइड पे पेगा तो राइट हैंड साइड पे किस जगह है राइट हैंड साइड पे बात करें तो ऑप्शन ए एलिमेंट बी एलिमेंट सी डी एलिमेंट ओनली ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसा है जिसमें ये वाली चीज कहां पर है राइट हैंड साइड पे तो आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्लियर कंफर्म तो ये सारे ही क्वेश्चन थे जो किस पर बेस्ट थे हमारे फिगर बेस्ड प्रॉब्लम पे थे जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इमेजेस को तो हमने दोनों टाइप्स की इमेजेस को पढ़ा है वाटर वाटर इमेजेस 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 एंड मिरर मिरर और mirror जो दोनों थी वो हमने नंबर्स का भी निकाला हमने अल्फाबेट्स का भी निकाला और किसी पर्टिकुलर डायग्राम का भी तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले है सो थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग ज्यादा से ज्यादा जो मेबर्स है इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए तो थैंक यू अगेन